फिर आप सबका स्वागत है। और एक महत्वपूर्ण विषय पर आज हम प्रकाशित वाक्य में से अध्ययन करेंगे और उसका कुछ हिस्सा जो है मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय की 7वीं आयत से और 19वें अध्याय में भी हम एक बार देखेंगे। सो मेरे साथ निकालें प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 7वीं आयत से। यूँ लिखा है, फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। और वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था गिरा दिया गया, और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर प्रबल हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सहली। इस कारण हे स्वर्गों और उनमें के रहने वालों मगन हो, और हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका समय थोड़ा ही बाकी है। 19वां अध्याय प्रकाशित वाक्य का उसकी कुछ आयतें मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। 11वीं आयत से पढ़ रहा हूं, 19वां अध्याय प्रकाशित वाक्य 11वीं आयत से आगे। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं और उसका एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता, और वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है, और वो जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट के मदिरा के कुंड में दाख रोन देगा, और उसके वस्त्र और जांग पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। सो हम एक स्पिरिचुअल वार या स्पिरिचुअल लड़ाई जो है बराबर देखते हैं। पूरी बाइबल में यदि आप देखें सृष्टि के बनने के साथ ही शैतान जो है परमेश्वर का विरोधी हो गया। उसने परमेश्वर पिता की बनाई हुई हर चीज को बिगाड़ना शुरू कर दिया, आदम को हवा को। उसने परमेश्वर की सृष्टि के अंत तक ये काम जारी रखा, और स्पिरिचुअल वारफेयर आज भी है। आज भी जो है हमारे व्यक्तिगत जीवनों में, पारिवारिक जीवनों में, कलीसिया जीवन में, सबके साथ जुड़ा हुआ है। और जैसा पौलुस तिमोथियस को लिखते हुए बोलता है कि एक अच्छी लड़ाई लड़, अपनी दौड़ को पूरी कर, और इफिसियों के 6वें अध्याय में पौलुस फिर से बोलता है कि हमारा मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं, वरन इस संसार के हकीमों से, अधिकारियों से, शक्तियों से, उनसे है। सो ये स्पिरिचुअल वारफेयर है क्या, इस पर हम पवित्र आत्मा की सहायता से आज थोड़ा सा देखेंगे। सो मेरे साथ आए, हम इस अध्ययन को जो है देखना चाहते हैं। हमको लगता है कि पृथ्वी का आरंभ हुआ, शैतान ने अपना कार्य
भी आरंभ किया। लेकिन वास्तविकता ये है कि पृथ्वी बनने के पहले से ही शैतान और उसके दूतों का परमेश्वर और उसके दूतों के साथ में जो है एक वार जो है स्वर्ग में स्टार्ट हो चुका था और शैतान गिरा दिया गया था। इसीलिए जैसे ही पृथ्वी पर पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, शैतान ने परमेश्वर की हर प्लानिंग में जो है विघ्न डालना शुरू कर दिया और इसका नतीजा हम जो है उत्पत्ति की पुस्तक में ही दूसरे अध्याय में देखते हैं कि शैतान ने जो है आदम को परखना शुरू कर दिया। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने आदम से कहा कि उसे आदम की बगीचे में रखवाली करना है। अब रखवाली किससे करना है? तो जाहिर है कोई और विरोधी तो है नहीं, कोई और डिस्ट्रॉय करने वाला नहीं है एक्सेप्ट शैतान या डेविल। सो परमेश्वर ने शुरू से आरंभ से आदम से कहा कि अदन के बगीचे की रखवाली करना है और वो इनडायरेक्ट वे में कहा कि शैतान से उसकी रक्षा करना है। और शैतान जो है परखता रहा परखता रहा और सांख्यिकी के अनुसार वो 100 साल तक ऐसा करता रहा, लेकिन आदम नहीं गिरा तो नहीं गिरा, लेकिन हवा उसके जीवन में आई और वो 1 साल में गिर गया। जब से आदम से लगा करके वर्तमान तक शैतान ने किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ा, किसी ह्यूमन को नहीं छोड़ा। और आज भी एक विश्वासी के जीवन में जैसे ही वो विश्वासी शैतान के क्षेत्र से यीशु मसीह के क्षेत्र में आता है, सो शैतान उसका विरोधी हो जाता है। और जैसा दूसरा पत्रस में कहा है, वो फाड़ खाने वाले भेड़िए के समान, गरजते हुए सिंह के समान जो है एक विश्वासी के पीछे लगा रहता कि कब उसे फाड़ा। और किसी विश्वासी के जीवन में इसकी शुरुआत तब होती है जब जैसे ही उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया और पवित्र आत्मा का दान उस विश्वासी के अंदर आया, जैसा पहला कुरंथियों 22:5 इफिसियों की पत्री 1:13-14 4:30 और शैतान जो है किसी विश्वासी के लिए उसको वापस अपने साइड में लाने के लिए दिन रात कोशिश करता रहता है। ऐसा बोलते हैं शैतान 2400 घंटे 7 दिन मेहनत करता रहता है। वो कभी संडे नहीं मनाता, वो कभी छुट्टी नहीं लेता, वो कभी विश्राम नहीं करने मानता। ये हम सब के लिए चैलेंज है कि विश्वासी के जीवन में जैसे स्पिरिचुअल वार युद्ध शुरू हो गया, अब जैसा पौलुस रोम की पत्री में 7:14-25 में इस स्पिरिचुअल वारफेयर के बारे में बोलता है। और इसको समझने के लिए हमें ये चीज समझना पड़ेगी कि एक मनुष्य में 3 कंपार्टमेंट होते हैं, शरीर जो सब जानवरों में भी होता है, मनुष्य में भी शरीर होता है, और दूसरा प्राण जो उसके लहू में होता है। तो सब जानवरों में भी लहू होता है और जो जीवन है या प्राण है वो लहू में होता है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और तीसरी चीज आत्मा, जो आत्मा परमेश्वर ने दिया है वो आत्मा सिर्फ मनुष्यों में है, ये जानवरों में नहीं है। और जैसा उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय में आया है जहां लिखा है जब पाप आदम ने करा तो परमेश्वर ने कहा मनुष्य मिट्टी ही है, वो
मिट्टी में मिल जाएगा। और छठे अध्याय तीसरी आयत उत्पत्ति में कहा है कि मेरा आत्मा मनुष्य सदा वाद विवाद करता नहीं रहेगा। सो आत्मा जो है मनुष्य में से चला गया, और यही आत्मा यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय पद 22 में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह ने यह कहकर उन पे फूका कि पवित्र आत्मा दो, और वे पवित्र आत्मा से भर गए। इसके पहले प्रभु यीशु मसीह ने अदन के बगीचे में आदम के नथनों में श्वास फूका था, और दूसरी बार श्वास फूका यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वां अध्याय 22वीं आयत में आया है अपने पुनरुत्थान के बाद। मतलब पुनरुत्थान के बाद में मनुष्य फिर से यीशु मसीह के द्वारा पिता तक पहुंच सकता है। सो एक मनुष्य में तीन भाग होते हैं, शरीर, प्राण और आत्मा। और जैसा रोमियो के पत्र में पौलुस बोलता है कि अब जैसे ही आत्मा आया, आपने विश्वास कर और परमेश्वर का आत्मा आप में बयाने के रूप में आया, आपका शरीर और आपका प्राण जो है आपकी आत्मा के विरुद्ध में काम करने लगता है। और आत्मा कुछ कहता है और शरीर उसके विरुद्ध में काम करता है। सो एक ही मनुष्य में इनसाइड अंदरूनी रीति से एक युद्ध शुरू हो जाता है। जैसे आप थके हुए आए हैं और आपको लगता है आज तो चर्च नहीं चलते, आत्मा बोलता है कि नहीं चर्च चलेंगे और उसके बाद आके सोएंगे। सो जैसे ही आपने ये निर्णय लिया और आप चर्च आए थके हुए होने के बावजूद, आपने शरीर के ऊपर जय प्राप्त करी। जैसा दूसरा तिमोथियस 4 अध्याय पौलुस जहां तिमोथियस को बोलता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मतलब पौलुस ने जो शुरुआत करी थी वो अंतिम रीति तक, अंतिम गोल तक आ गया है। और ये वो समय है जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा के फल लगना चाहिए। ध्यान दें, पवित्र आत्मा के फल हमें लगना चाहिए इस स्टेज पे, और ये फिर से कंपल्सन है, ये एक रिक्वेस्ट नहीं है। और फिर जैसे जैसे आपके निर्णय होते जाते हैं और आप आत्मा के अनुसार चलने लगते हैं, सो एक समय ऐसा भी आता है कि जब आप अपने शरीर पर, संसार पर और शैतान पर, मैं तीन सा हिंदी में बोलता हूं, शरीर, संसार और शैतान, इन तीनों पर, तीन सा पर आप जो है जय प्राप्त कर लेते हैं, तो आप पौलुस के समान कह सकते हैं मैंने अपने अभिलाषाओं को क्रूस पे चढ़ा दिया, अब मैं नहीं रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। और यूहन्ना बोलता है कि मैं संसार के लिए और संसार मेरे दृष्टि में मर चुका है, अब मैं जिंदा हूं तो मसीह में। मतलब पूरी रीति से जो है शरीर के ऊपर आपने काबू पा लिया। पौलुस उसके लिए ऐसा भी बोलता है कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता और वश में रखता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करूं और खुद अयोग्य प्रमाणित हूं। सो शरीर पे कंट्रोल, संसार पे, आंखों की अभिलाषा पे, जीविका के घमंड पे जिसमें आदम और हवा गिर गए थे, उस पे कंट्रोल। और जिस दिन ऐसा हो जाता है कि आप में जो है आप इस संसार के लिए मर गए, शरीर के लिए मर गए, तो वो आपका आत्मिक बपतिस्मा, जिसे स्पिरिचुअल बपतिस्म बोलते हैं। अब ये वो समय नहीं है कि जहां हम इसको डिटेल में देखें, लेकिन मैंने शॉर्ट में ऐसा बताया कि जिस दिन आत्मा आपके अंदर 100% हो गया और शरीर और संसार मर गए,
शैतान के ऊपर आपने जय प्राप्त कर ली, आप का आत्मिक बपतिस्मा हुआ और फिर भजन संहिता में जैसे दाऊद बोलता है 23:5 में कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है। सो सवाल यह है, जब तक आपका कटोरा भरेगा नहीं आप दूसरों को कैसे देंगे? तो सबसे पहले तो आपका कटोरा भरना चाहिए। सो कटोरा जब भरेगा तब आप दूसरों को दे पाएंगे। और दाऊद यही कहता है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है और जैसे आपके कटोरे उमड़ने लगे तब परमेश्वर आपको वरदान देने लगता है, पवित्र आत्मा के वरदान देने लगता है। इसका दो महत्वपूर्ण उपयोग है, एक तो परमेश्वर की महिमा और दूसरा कलीसिया का निर्माण या कलीसिया की उन्नति। ये दो चीज के लिए वरदान, जिसका वर्णन 1 कुरिन्थियों 12:4-12 में किया गया है। मतलब वरदान जो है पवित्र आत्मा के आपको तब मिलने लगते हैं जब आपका कटोरा उमड़ने लगता है। और हमने दो शब्द और देखे थे, स्पिरिचुअल बैप्टिज्म और स्पिरिचुअल फ्रूट। और किसी भी आत्मिक व्यक्ति की, जैसे यूहन्ना 1 यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 12-13 में यूहन्ना जो है किसी आत्मिक व्यक्ति की दशा बताता है, लेवल बताता है। अब यहां यह समझना भी जरूरी है कि वो व्यक्ति आत्मिक जीवन में है, अनंत जीवन में है, लेकिन उसका लेवल जो है एक बच्चे की तरह है। अब हो सकता है कि वो संसारिक रीति से 50-60-70 साल का हो, लेकिन आत्मिक रीति से यूहन्ना जो शब्द उस उपयोग में लाता है वो है टेलमिस, ग्रीक शब्द है टेलमिस या छोटे बच्चे। 12 में आया है 1 यूहन्ना 2:12 में। और ये अवस्था वो अवस्था है जिसमें एक व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है और जिंदगी भर सीखता ही रहता है। अधिकांश मसीहों की दशा यहां पर है। पौलुस इसको इस तरीके से भी बोलता है, समय के हिसाब से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, लेकिन तुम अभी भी जो है आत्मिक दूध तुम्हें चाहिए रहता है। फिर दूसरा आत्मिक लेवल है पैदा, पैदिया या ग्रीक शब्द जो है वो लिटिल चिल्ड्रन, इसका अंग्रेजी अनुवाद है लिटिल चिल्ड्रन या बच्चों या बालकों, 13 में। मतलब ये बच्चे जो हैं ये चल तो लेते हैं, ये फिर तो लेते हैं, लेकिन अभी भी दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ये सब आत्मिक लेवल है। ये इसका मतलब ये नहीं कि ये जो इन्फेंट है ये नरक में जा रहे हैं, नहीं, ये है स्वर्गिंग लेकिन लेवल इनका छोटा है। तीसरा शब्द निनेओस्काय या जवान, जो इसके लिए शब्द आया है 13-14 में, इफिसियों के पत्री 4:14 में भी। ये जवान उन लोगों को आत्मिक रीति से कहा गया है जो परिवार का एक हिस्सा होते हैं, बर्डन उठाते हैं, जो परिवार की जिम्मेवारी उठाते हैं, उनके लिए निनेओस्काय ये शब्द इस्तेमाल किया है। और चौथा शब्द पैट्रस या फादर, फादर मतलब वे विश्वासी जो आत्मिक रीति से परिपक्व हैं या मैच्योर है। 13:14 में 1 यूहन्ना 2:13-14। और ये पैट्रस मतलब जो फ्रूट लाते हैं, जो फल लाते हैं। वो फल मतलब क्या? और फल मतलब जो है आत्मिक रीति से जो आत्मा जीत करके लाते हैं। हम इसको थोड़ा सा और बाद में देखेंगे। और प्रकाशित वाक्य में जैसा 12:7-13, 19:11-17, 20:7-9, इन सब जगह में ये अंतिम बार
अंतिम युद्ध जो है शैतान जो है प्रभु यीशु मसीह से लड़ेगा और उसके बाद जो है न्याय किया जाएगा सबका। तो जो युद्ध पृथ्वी के बनने के पहले से चला आ रहा है उसका अंत कहां लिखा हुआ है, वो अंत है 19वां अध्याय और 20वां अध्याय। और जो युद्ध लड़ेगा वो हेड कमांडेंट जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जिसकी जांग पर राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु 19वां अध्याय प्रकाशित वाक्य 11-16 आयत में लिखा है। और हम कौन है, हम उसके पीछे चलने वाले लोग हैं, 19वां अध्याय 14वीं आयत। सो आत्मिक युद्ध के लिए प्रकाशित वाक्य में यह चीज कही गई जिसका अंत यहां होगा और स्वर्ग में कोई युद्ध नहीं। सो जो युद्ध पृथ्वी के बनने के पहले से आरंभ हुआ था उसका अंत यहां होगा और स्वर्ग में कोई आत्मिक युद्ध फिर नहीं होगा। और जैसा हम जो है इफिसियों के 6:10-18 में बताया गया, हम उसके सोल्जर हैं, हम जो प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, हम जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। वहां 6 इफिसियों में कहा गया है उसके 11वें पद में कि हमारा युद्ध शैतान की प्लानिंग स्ट्रेटजीज और उसमें लहू और मांस से नहीं लेकिन अधिकारों से और जो है अंधकार की शक्तियों से। जो शक्तियां जो है इस आकाश के मध्य में पाई जाती हैं, मतलब हमारा युद्ध जो है शैतान और उसके दूतों से ऊपर स्वर्ग में, उसके बाद उसका निचला लेवल मध्य आकाश में जादू टोने की ताकतें भूत प्रेरित इनसे, और पृथ्वी पर जो है उन लोगों से जिन्होंने अपना जीवन शैतान को समर्पित कर दिया और वे शैतान के चलाए चलते हैं, उन लोगों से है शैतान की प्लानिंग जो स्वर्ग में मध्य आकाश में और पृथ्वी पर, मतलब तीनों लेवल पर शैतान काम करता है और इस तीनों लेवल पर हमारा युद्ध उससे है। और उसके लिए तैयारी जो बताई, जैसे सिर से लगा के पांव तक, सिर के लिए लिखा है उद्धार का टोप, धार्मिकता की झिलम, सत्य का बेल्ट, पांव में मेल के सुसमाचार के जूते, एक हाथ में विश्वास की ढाल, दूसरे हाथ में तलवार जो परमेश्वर का वचन है, और हमेशा हमेशा जागते रहें, तैयार रहें, आत्मा में प्रार्थना करते रहे, निवेदन करते रहे। जब भी जैसे मैंने बताया शैतान कोई छुट्टी नहीं लेता, कभी संडे नहीं मनाता, 24 घंटे 7 दिन काम करता है, वैसे हम सोल्जर भी, हम सैनिक भी प्रभु का वचन बोलता है, रात दिन तैयार है, प्रतिदिन का जीवन जिए, प्रतिदिन का क्रूस उठाएं, सुबह से आरंभ करें और शाम तक प्रभु और प्रभु और प्रभु, और तब हम उसके जलते हुए तीरों को बुझा सकेंगे, हम स्थिर रह पाएंगे। ये आत्मिक युद्ध के विषय में, और पूरी जिंदगी भर हमें इसके लिए, जैसे मैंने बार बार कहा है कि मान लीजिए आपकी उम्र 20 साल की थी जब आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और आज आपकी उम्र 60-70 साल है, मान लीजिए 60 साल है, तो 40 साल का समय आपने किस बात में गुजारा और कितनी आत्माएं आप जीत के लाए, जो वरदान प्रभु ने आपको दिए तो उससे आपने क्या किया, इन सब के जवाब आपको मुझे नहीं देना, इन सब के जवाब तो आपको प्रभु को न्याय के दिन देना है। सो स्पिरिचुअल वॉरफेयर के एक चार्ट के रूप में जो है शैतान कैसे काम करता है, जो है अपने मोबाइल पे अपने
जो है कंप्यूटरों पे, लैपटॉप पे, इसको रोक करके आप इसका अध्ययन कर सकते हैं एक चार्ट के रूप में कि कैसे स्पिरिचुअल वार जो है जारी है आज तक और पृथ्वी के अंत तक जारी रहेगा और अंतिम न्याय के समय ये जाके समाप्त होगा। ये जो है स्वर्ग में परमेश्वर के दूत और शैतान के दूतों के बीच में जो युद्ध शुरू हुआ वो आज तक जारी है। ये माइकल एंजेलो ने 300-400 साल पहले ये पेंटिंगें बनाई कि स्पिरिचुअल वार जो है ऊपर परमेश्वर के दूतों में और शैतान के दूतों में, फिर मध्य आकाश में फिर पृथ्वी पर। और जैसा हमने 12वें अध्याय में पढ़ा था, मिकाइल और उसके दूत शैतान और उसके दूतों से लड़ने को निकले और उस शैतान पर मिकाइल के दूतों ने जय प्राप्त करी और वो पृथ्वी पर गिरा दिया गया। शैतान को मिकाइल ने हरा दिया और परमेश्वर ने भी कहा है कि शैतान को परमेश्वर विश्वासियों के पांव के तले कुचल देगा। सो हम डरे नहीं, हमारा कमांडर, हमारा अगुआ कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। ना उसने हमें छोड़ा है, ना उसने त्यागा है और हम इस युद्ध में अकेले नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ 24 घंटे सातों दिन प्रति पल प्रति क्षण बना रहता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि सिर्फ संडे नहीं, सिर्फ गुड फ्राइडे, ईस्टर नहीं, सिर्फ क्रिसमस और न्यू ईयर नहीं, वो तो 24 घंटे सातों दिन प्रति क्षण प्रति सेकंड हमारे अंदर है और हमें भी उसके साथ ऐसे ही जोड़ना है। सो इस युद्ध में जय हमारी है, परमेश्वर के दूतों की जय है, लेकिन हमें सबर करना है, हमें तैयारी रखना है, हमें ऐसे ही निश्चित नहीं बैठे रहना है और परमेश्वर के साथ रह करके लिखा हुआ है कि परमेश्वर के अधीन रहो, शैतान का सामना करो और वो भाग जाएगा। सो इस स्पिरिचुअल युद्ध के लिए मैं आपसे बार बार निवेदन करूंगा, अपने आत्मिक लेवल को बढ़ाएं और तब तक बढ़ाते रहें जब तक आप शैतान पे जय प्राप्त नहीं कर ले। शैतान को, उसकी शक्तियों को, उसकी जादू टोने की ताकतों को, भूत प्रेरितों को आपसे डर लगने लग जाना चाहिए कि ये प्रभु का जन है, अभी प्रार्थना करेगा यीशु के नाम से, यीशु के लहू से और बांध देगा, वो आपको देख करके दूर से भाग जाए और आपका कटोरा उमड़ने पाए। जिस जगह आपके पांव पड़े वो भूमि आशीषित हो, जिस जगह जिस काम को हाथ में ले वो काम आशीषित हो, जिसके सिर पे हाथ रखे वो या जिससे हाथ मिलाए उसके अंदर आपका आपसे जो है परमेश्वर की सामर्थ्य निकल के पहुंच जाए और तब हमारा जीवन एक आशीषमय जीवन होगा। और जो है जब हम परमेश्वर के पास पहुंचेंगे तब कह पाएंगे, प्रभु तूने 5 तोड़े दिए थे, तूने 10 तोड़े दिए थे, मैंने 10 और कमाए, 5 तोड़े दिए थे, 5 और कमाए। लेकिन कहीं ऐसा भी होगा, कुछ लोग ये भी कहेंगे, प्रभु ये ले तेरा तोड़ा जो तूने मुझे दिया और ये वापिस ले। ये युद्ध जो है सिर्फ आपका नहीं है, इस युद्ध में परमेश्वर और परमेश्वर के दूत आपके साथ में है। आपने जो निर्णय करा है कि शैतान की साइड से निकल करके परमेश्वर की साइड पे आए, तो ये आपको इसके लिए कभी पछताना नहीं पड़ेगा। शैतान जो है गिरा दिया गया, उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए हैं। अब वो कुछ समय तक कार्य कर रहा है, हालांकि कार्य करते करते पिछले हजारों साल हो गए हैं, लेकिन इनका अंत आ गया है, अंत आ गया है। हो सकता है हमारी आंखों के सामने हम इस अंत को देखें, हमारे जीते जी हम इस अंतिम बातों को देखें और शैतान और उसका
साम्राज्य जो है तहस नहस कर दिया, जैसा एफिसियों के पत्री में कहा है, मैंने बताया यहां से शुरू करें, सिर उद्धार का टोप, धार्मिकता की झिलम, सत्य का कटिबन, मेल के सुसमाचार के जूते, एक हाथ में तलवार जो परमेश्वर का वचन है, दूसरे हाथ में ढाल जो विश्वास की है, और एक और चीज किसी ने कहा कि पीछे देख में कोई कवर नहीं है, क्योंकि रोमी राज्य में पीछे देख जो है उसको संभालने वाले आपके पीछे वाला सोल्जर रहता था। यदि आपने युद्ध में पीठ दिखाई तो आपकी पीठ भेद दी जाती है। सो मसीह सोल्जर की भी, मसीह सैनिक की भी पीठ का कोई कवर नहीं है, उसकी रक्षा परमेश्वर और उसके दूत करते हैं। सो हमारी निर्भरता परमेश्वर पर है, और जैसे मैंने बताया युद्ध आपका नहीं, परमेश्वर आपको किसी ऐसी परीक्षा में पढ़ने भी नहीं देगा जो आपके सहने के बाहर, लेकिन हमें धीरज धरना, हमें परमेश्वर के अनुसार चलना है। और यहां से प्रभु यीशु मसीह जो है टॉप पर है, परफेक्ट मैन है, ये स्टीचर ऑफ ए परफेक्ट मैन लिखा है, लेकिन शुरुआत कहां से हुई? विश्वास से। विश्वास के बाद धीरे 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 बढ़ते हुए पौलुस बोलता है कि प्रभु मेरे को आपके जैसा बना, लेकिन ऊपर से नहीं नीचे से, कि आप इतना नम्र कैसे हो गए, स्वर्ग का सारा वैभव छोड़ के मुझ जैसे व्यक्ति के लिए आप पृथ्वी पर आ गए और इतने नम्र बन गए कि मृत्यु वरन क्रूस की मृत्यु से। मुझे ये रहस्य सिखा दे प्रभु, मुझे अपने जैसा बना इस लेवल पे। सो मैं हमेशा बोलता हूं जीरो से हीरो परमेश्वर अपने लोगों को बना देता है। आपने शुरुआत करी थी एक पापमय जीवन से, और अपने यीशु मसीह पे भरोसा लाया, आपने अनंत जीवन के रास्ते पर जाने का निर्णय लिया, और यहीं से उसी क्षण से इस युद्ध की शुरुआत हो गई। और ये चार लेवल हमने देखे, और कई लोग पूरी जिंदगी भर इस युद्ध में लगे रहते हैं। हम बोलते हैं कि हम छूट गए, नहीं, हम भी इसी में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण लेवल था फादर का, पाटर का, जो सोल विनिंग था। हम किसी भी क्षेत्र में, चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, चाहे टीचर हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे छोटे से छोटा काम करते हो, चाहे बड़े से बड़ा काम करते हो, लेकिन उस अंत के दिनों में हमें हमारे जीवन से एक सवाल तो पूछा जाएगा कि बेटा मैंने तुझे ये सब कुछ दिया, दो आंख दी जो दुनिया के सबसे अच्छे टेलीविजन से अच्छे हैं, दो कान दिए जो दुनिया के सबसे अच्छे साउंड सिस्टम से अच्छे हैं, दुनिया के सबसे अच्छी किडनी दी है जो किसी भी डायलिसिस मशीन से अच्छी है, हार्ट का पंप दिया जो 3 हॉर्स पावर तक से भी ज्यादा काम करता है, 1 मिनट में 70 बार धड़कता है। मैंने तुझे ऑक्सीजन दी, मैंने तुझे फ्री का पानी दिया, तुझे फ्री की लाइट दी, फ्री का सब कुछ दिया, मैंने इनसे आपके लिए कोई पैसा नहीं मांगा, लेकिन बदले में तूने मुझे क्या दिया? यदि हम ये बोले कि प्रभु ये थोड़ा वापिस ले, तो वो हमसे जो है बहुत ज्यादा खुश नहीं होगा। सो मैं ये बोलता हूं, यदि आप एक प्रीचर हैं, और यदि आप एक प्रीचिंग करते करते यदि आप आत्माएं नहीं जीत पाते, तो आपकी प्रीचिंग जो है व्यर्थ है। आप गाना गाते हैं, आप सिंगर हैं, और यदि आपके गाने से किसी का जीवन नहीं बदलता है, आपका गाना व्यर्थ है। सो कोशिश करें कि आप जिस भी फील्ड में हो, वहां आपके द्वारा परमेश्वर के पास लोग लाए जाएं। इसको बोलते हैं डायरेक्ट तरीका, कि आपके जीवन से प्रभावित होकर के कोई आत्मा प्रभु यीशु मसीह के पास आए। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इनडायरेक्ट तरीका भी अपना सकते हैं। इनडायरेक्ट तरीके में मैंने 3 P लिखे हैं। पहली चीज है कि आप लोगों के लिए, परमेश्वर के दासों के लिए दुआएं करते रहें, अपने लोगों के लिए, अपने जीवन साथियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने कलीसिया के लिए दुआ करते रहें, और उस समूह में
उन लोगों के साथ शामिल हो जाएं जो आत्मा जीतने का काम करती हैं, और एक पार्ट टेकर बने। पार्ट टेकर से मतलब सहयोगी बने। परमेश्वर के भवन में आपको झाड़ू भी निकालना पड़े तो यह हमारा सौभाग्य होगा। सो दूसरी चीज कि हम छोटे छोटे कामों में भी परमेश्वर के सहयोगी बने, परमेश्वर का काम करें, परमेश्वर के लोगों के साथ जुड़ जाएं, परमेश्वर का सहयोग करें। और तीसरी चीज, आपके पास जो भी साधन है उसके द्वारा, चाहे वो रुपयों से लगा करो, चाहे वो उपज के द्वारा हो, चाहे वो संपत्तियों के द्वारा हो, कैसे भी करके कि प्रभु तेरे कार्यों के लिए, आत्माएं जीतने के लिए, मैं खुद तो नहीं कर पा रहा हूं लेकिन ये थोड़ा सा दान, थोड़ी सी भेंट जो है मैं प्रदान करता हूं, ये लें और उसमें मैं भी एक हिस्सेदार बनना चाहता हूं आत्माएं जीतने में। सो ये वो तीन तरीके, बेसिक तरीके हैं, प्रेयर, पार्ट टेकर, पेज पार्टनर। सो इस रीति से आप अपने जीवन को सफल बनाते हैं। और यदि आपने पूरे जीवन में एक आत्मा है भी जीत ली तो आपका जीवन सफल कहलाए। सो प्रभु ऐसा करने में आपकी सहायता मदद करे। सो स्पिरिचुअल वॉरफेयर हमने जीरो से देखा था, और हीरो से मतलब सोल विनर, ये है हीरो जो परमेश्वर के लिए आत्माएं जीत के लाते हैं। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दें। आए दुआ करें। आपके पास आता हूं और खुदावंत, अपने आप को धन्य समझता हूं कि आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, वरन शरीर से लड़ते हुए, संसार से लड़ते हुए, शैतान से लड़ते हुए आप मेरे साथ साथ रहे, और प्रभु आप मेरे अंदर निवास करने लगे। एक पल के लिए भी आपने अपना पवित्र आत्मा मुझसे अलग नहीं किया, हालांकि कितनी बार मैं जो है अविश्वासियों गिरा, कितनी बार प्रभु मैं गिरा, लेकिन फिर भी आपने उठाया और फिर से खड़ा कर दिया। क्या कहें प्रभु, सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा हो, जीवन जीने का कारण आपके नाम की महिमा और स्तुति है। प्रभु एक आत्मा जो है मैं आपके राज्य में ला सकूं, ऐसा सौभाग्य प्रदान करें। और खुदावंत अपने शरीर पर, अपने आँखों पर, अपने आत्मिक अभिलाषाओं पर, संसारिक अभिलाषाओं पर जो है काबू रखना मुझे सिखाएं। शैतान पर आप मुझे जय प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा करने के लिए, इसकी प्रतिज्ञा करने के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। फिर से प्रभु आपने हम सब की सहायता करी, इसके लिए धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन।